नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 12 जनवरी को महादेव सट्टा एब्सुडे मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों का नाम अमित अग्रवाल और नितिन टिबरीवाल है। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ईडी के द्वारा रायपुर की विशेष कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। कोर्ट के द्वारा उन दोनों आरोपियों को 5 दिनों के हिरासत में ईडी को सौंपा है। अब इस मामले में शुरुआती दौर की पूछताछ के दौरान आरोपी नितिन टिबरीवाल इस बात को स्वीकार कर रहा है कि किस तरह से इस महादेव ऐप से जुड़ा और कैसे उसकी भूमिका निखर कर सामने आई। वो अन्य आरोपियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। इन दोनों आरोपियों को ईडी के द्वारा कई बार पूछताछ के लिए समन भी भेजा जा रहा था, लेकिन ये दोनों पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे थे। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तार आरोपी नितिन टिबरीवाल मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला, लेकिन इस आरोपी का मुंबई हरियाणा के गुरुग्राम में भी दफ्तर है। इसका दुबई में भी बहुत बड़ा कारोबारी संबंध है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा गिरफ्तार दूसरा आरोपी अमित अग्रवाल, अगर बात करें इसकी, मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का है, लेकिन उसका भी दुबई में कई प्रॉपर्टी डीलर्स से कनेक्शन है। इसके बाद महादेव ऐप से जुड़े मामले की तफ्तीश और ज्यादा तेज। और अब जिक्र करेंगे महासमुंद की खबर का, जहां 4,76,00,000 का सोना जब्त किया गया है। कुछ सोने के बिस्किट भी पाए गए हैं। 5 आरोपियों को पकड़ा इस पूरे मामले में। कार की पिछली सीट के नीचे सोना छिपा कर ला रहे थे। 2 कार से सोने को लेकर आ रहे थे आरोपी, लेकिन फौरन पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली और उसके बाद ये कार्रवाई। ओडिशा की ओर से सोना लाया जा रहा था। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। पूछताछ में सही जवाब नहीं दिया गया, संतुष्ट नहीं कर पाए अपने जवाब से, और इसी के चलते अब पूछताछ की जा रही है कि कहां से तार जुड़े हुए हैं, पता लगाने का प्रयास कनेक्शंस का। राजधानी रायपुर का अब जिक्र करेंगे, जहां अपराध पर लगाम लगाने का प्रयास लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से जुलूस निकाला गया आरोपियों का। चाकूबाज आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। हिस्ट्री शीटर सहित 3 आरोपी इसमें शामिल थे। जुलूस निकालकर ये संदेश देने का प्रयास कि अगर अपराध होता है तो अपराधियों का हश्र भी होगा। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जुलूस निकाला। आपको याद होगा वो सिलसिला किस प्रकार चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। मामूली सी बात को लेकर विवाद होता है, उसके बाद चाकूबाजी की जाती है और हत्या की वारदात को अंजाम देने में भी ज्यादा समय नहीं लगाते हैं बदमाश। अब सीधा संदेश देने का प्रयास पुलिस की तरफ से कि अपराधियों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर अपराध करते हैं, अंत में निष्कर्ष ये निकलेगा कि गिरफ्तार होंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरे अपराधियों में खौफ पैदा करना बड़ा मकसद। और अब आते हैं सियासी खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन अब रह रहकर दर्द छलक रहा है। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में बैठक चरणदास महंत संबोधित कर रहे थे और कुछ ऐसा कह गए कि आईना दिखाने जैसा हो गया। प्रदेश प्रभारी के सामने कांग्रेस पदाधिकारियों से कहा कि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसके बाद से हम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। महंत के इस बयान को लेकर सचिन पायलट ने इनकार नहीं किया बल्कि हामी भरी। मोदी सरकार की नाकामी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की विश्वास नहीं हो रहा। और सचमुच में कहें, आप तो अनुभवी आदमी हैं, हम लोग अभी भी एक दूसरे का मुंह चुरा के ही घूम रहे हैं, नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। ये सबकी हालत है और हम लोग काफ़ी दुखी हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष का ये बयान आपने सुना और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के बारे में हम ज्यादा बोल नहीं सकते, हमें सूट नहीं करता है, लेकिन किसी को भी इस नतीजे का अंदाजा नहीं था। परिणाम कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत आए। सुनिए, धर्म में कैसे वो बड़े नेताओं के बारे में ज्यादा हमको बोलना सूट नहीं करेगा, लेकिन
किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, परिणाम विपरीत आया, सभी लोग इससे डिप्रेस हैं। और देश भर में कांग्रेस का क्राउड फंडिंग अभियान चल रहा है। कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ में मिली हार का असर भी देखने को मिल रहा है। क्राउड फंडिंग के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 12वें स्थान पर। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा है कि हार के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा भी है, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सचिन पायलट आए थे और लगातार 2 दिनों तक मैराथन बैठक हुई, अल्टीमेटली इस बैठक का सार क्या निकला? देखिए, तो नए प्रभारी बने और पहली बार आए, हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक स्वागत किए और विस्तारित बैठक भी हुई पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी की और तमाम बड़े नेताओं के साथ फर्स्ट दिन, और दूसरे दिन पीसी का बैठक भी हुआ। तो इस तरह से यह है कि उनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और यह है कि आगामी लोकसभा को लेकर हमको तैयारी शुरू कर दी है और मार्गदर्शन मिला है, उनका अनुभव का लाभ मिलेगा हमको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, तो निश्चित रूप से हम आने वाला चुनाव के लिए हम लोग मजबूती से तैयारी और काम करेंगे। ये क्राउड फंडिंग को लेकर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ करीबन 13वें नंबर पर आ रहा है और 19,50,000 करीबन सदस्य हैं और उसके बाद भी इस तरह की स्थिति हो रही है। हाँ, क्राउड फंडिंग मामले में यह है कि हम लोग लगातार कार्यकर्ता और हमारे प्रभारियों को निर्देशित किए हैं और कल के बैठक में भी चर्चाएँ हुई, परसों की बैठक में भी चर्चा हुआ, तो इसको हम लोग आने वाला समय में इसको तेज़ गति से और करेंगे ताकि हर कार्यकर्ताओं के पास पहुँचे और क्राउड फंडिंग भी छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसी उदासी क्यों आ रही है सर, क्योंकि क्या ऐसा लग रहा है कि नतीजों के एक वजह से है, मन उछड़ गया है कार्यकर्ताओं का? कि ये भी कहा गया कि जो गुस्सा आया कि भाई हमने इतना संघर्ष किया था, हमें कुछ मिला नहीं, और अब क्या उसका गुस्सा भी निकल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब नतीजे आने के बाद स्वाभाविक से कुछ दिन तक थोड़ा सा मन में हताशा तो कार्यकर्ताओं का है और उसको हम लोग लगातार दूर कर रहे हैं, और संभवतः सचिन पायलट जी आने के बाद और हम लोग लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, हमारे प्रभारियों को भेज रहे हैं, तो संभवतः अभी कार्यकर्ता घर से बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि आने वाला समय में कांग्रेस और मजबूती के साथ हम तैयारी करेंगे। तो लेकिन बड़े लोगों का भी वैसा सहयोग नहीं दिख रहा है फिर भी? नहीं, देखिए, अब तो बड़े नेता भी आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और भी रणनीति बना रहे हैं। चुनाव में खत्म हो गया क्या सारा पैसा, चुनाव में खर्च हो गया ऐसा? बिल्कुल, देखिए क्या, ये तो EICC का रूटीन प्रक्रिया है। उनका दावा है कि विनिंग कैंडिडेट्स जो है उस पर दाव पार्टी लगाएगी, हालांकि विधानसभा के चुनाव के समय भी यही दावे थे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, News 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ में अपने विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आए हैं। ये भी कहा कि पंचायती राज विभाग में छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने गौठान के नाम पर जमकर लूटा है। जिस विभाग का मंत्री हूं उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास, और इस ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा, वो क्या गठिया क्या गोठान, उसी को ठीक करने आया हूं। और छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी से काम करे, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू अन्य डिपार्टमेंट, उसके लिए एक मीटिंग करके फिर आगे की कार्रवाई करूंगा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने वाली कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है। देखिए, जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से
नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी क्लास ली, हमारे राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया, क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूँ। और अब एक अनोखा वीडियो आपको दिखाते हैं। आपने अलग अलग तरह के डॉग्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी बोलने वाले डॉग को देखा है? बिल्कुल गलत कह रहे होंगे आप इसे, लेकिन सुनने में जरूर अजीब लगता है, ये सच बात है। दुर्ग के भिलाई से एक तस्वीर सामने आई एक डॉग की, जो अपने मालिक के साथ भगवान राम का नाम लेता है। पहले वीडियो देखते हैं। जुली बोलो राम राम, जुली बोलो राम राम। जब संपूर्ण देश में राम नाम की गंगा बह रही हो, उस बीच इंसान तो इंसान बेजुबान जानवर भी बोलने लगते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह जूली, जिसे इस परिवार ने काफी प्यार से पाला है, और जूली बोलती है राम नाम। हालांकि ये जो है अभी थोड़ी सी डरी हुई है, हमारे बीच में आई हुई है, लेकिन ये जूली बड़े बहुत ही इकनान से बोलती है। राम नाम की धुन जब यहाँ पर होती है तो वो उनके साथ गाती भी है, और साथ ही जो है राम जो है, मैं चाहूंगा सीमा जी आप एक बार इनको कुछ बुलवाइए, शायद बोले वो। वैसे जुली बोलो बेटा राम राम, बोलो राम राम राम, बोल दो राम राम, बोल दो राम राम। एक्चुअल में वो आप लोगों को देख रही है, शायद इसलिए वो डर गई है। बट जब हम राम जी की भक्ति में डूब जाते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं भजन की, तो इसे भी वो चीज़ समझ में आती है। और वैसे भी पूरी अयोध्या के कारण सभी लोग भक्तिमय हो चुके हैं, और इस बीच हमारी जूली भी भक्तिमय हो चुकी है, और वो भी हमारे साथ राम राम की धुन गाती है। किस तरह से गाती है ये, किस तरह से सुर से सुर मिला? ये एक्चुअल में हम लोग 2-3 दिन पहले राम के हमारे जो 22 तारीख को प्रोग्राम है, 21-22-23 को लगातार कार्यक्रम है भजन के, तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो मैंने देखा कि ये जब राम शब्द राम 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 सिया राम जैसे बोलते थे, तो ये भी अपना राम राम बोलने की कोशिश करती थी, तो हमने इसका रिकॉर्ड किया। फिर राम राम जब बोले तो साफ साफ ऐसा लग रहा था कि ये राम राम बोलना चाहती है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और जैसे जैसे अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह भी दोगुना होता जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भगवान राम का ननिहाल राममय हो चुका है। रायपुर के बाजारों में भी इसका असर नजर आता हुआ, बाजार भी भगवा रंग में रंगे हुए। मार्केट में भगवान राम से जुड़े सामानों की मांग काफी बढ़ गई है। बाजार में भगवा रंग के झंडे, तोरण, पगड़ी, फोटो फ्रेम, हैंडबैंड और गमछे समेत कई आइटम्स हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी राजधानी राममय हो चुकी है, और अब इसका असर राजधानी के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि राजधानी की बाजारें जो हैं भगवा रंग के झंडों से पूरी तरह से सजकर तैयार है। इसके अलावा भगवान राम से जुड़े तोरण हैं और भी जो अन्य सामग्रियां हैं उससे दुकानें पूरी तरह से सज चुकी है, और सबकी डिमांड भी जो है बढ़ गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए झंडे में अयोध्या के राम मंदिर को कितने सुंदर ढंग से जो है वो दर्शाया गया है। हमारे साथ दुकानदार भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? बहुत शानदार माहौल है। 500 वर्ष बाद हमारे राम जी हमारे रामलला पधार रहे हैं अयोध्या में, और इस पर मैं पूरे देश में दिवाली का माहौल, भी प्रकार के भगवा झंडे आ चुके हैं मार्केट में, बैच है मार्केट में, पगड़ी है भगवा कलर की, और भी भगवान की फोटोज अगर सब बिकने के हेतु आ चुकी है। डिमांड कैसी है, कौन से चीज़ की डिमांड? ऑन डिमांड झंडे की ज़्यादा डिमांड है, बड़े साइजों के झंडे की ज़्यादा डिमांड है। तो देखिए भगवान राम के झंडे, तोरण, उनके फोटो फ्रेम्स और उसके अलावा और भी तमाम सामग्रियां हैं जिनकी डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। फिलहाल झंडे की डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही भगवान राम से जुड़े जो हैं आजकल हैंडबैंड भी नए आए हुए हैं, पगड़ी भी जो है भगवे रंग की मंगाई गई है, तमाम तरह की सामग्रियाँ जो है बाजारों में उपलब्ध है, और एक ज़बरदस्त उत्साह जो है छत्तीसगढ़ वासियों में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और गणतंत्र दिवस का पर्व भी आ रहा है, परेड में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी दिल्ली भी रवाना हो चुकी है। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी मुरिया दरबार का प्रदर्शन करने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय ने झांकी के साथ जा रही टीम के सदस्यों से भी बातचीत की। इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ का गौरव आपको देखने को मिलेगा। बस्तर की मुरिया दरबार और कोंडागांव जिले में बड़े डोंगर के लिमऊ राजा की संस्कृति दिखेगी।
कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन और छत्तीसगढ़ के लोगों के चेहरे जरूर खिलेंगे गणतंत्र दिवस के दिन। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20।